वेल्थ जॉब या एब्रॉड जॉब से क्या मतलब होता है, हमें ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई एब्रॉड जॉब वेल्थ जॉब दोनों एक है क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए। अब्रॉड तो बेसिकली हम इसको विदेश करके कह सकते हैं, अपनी भाषा में सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि विदेश का, और गल्फ एक मुस्लिम कंट्रीज का जो एक बेल्ट है यहाँ पे उसको गल्फ जॉब कह सकते हैं, जो मिडिल ईस्ट का एक मोस्टली जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य देश हैं जैसे इमारात यूएई है, एक सऊदी अरब है, तो इनको गल्फ कंट्रीज में आते हैं। और अब्रॉड तो देखो कहीं भी जाओ, आप इंडिया से बाहर जाओ तो करियर, बेटर करियर और बेटर पैसे के लिए, फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आपको जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। क्योंकि जब तक हम बाहर जाएंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, जैसे हम अपने घरों से फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर कॉलेजेस, कॉलेज से फिर जॉब फील्ड में, तो हमें एक्सपीरियंस गेन होता है बहुत बढ़िया। तो सेम वही है कि हम जैसे अब्रॉड जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें नई मिलती हैं, नई कंट्रीज के लोग मिलते हैं और नया एक्सपोजर मिलता है, एक माइंड ब्लो होता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है और ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तो एक बहुत बढ़िया बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है करियर के लिए। नहीं अभी होता ना, मतलब अगर हम लोग पैदा हुए हैं तो सिर्फ पैदा सिर्फ हम लोग खाना खाने के लिए नहीं हुए हैं, अगर अगर सेम अगर मैं इसको दूसरे क्रम में बोलूं तो अगर हमने होटल इंडस्ट्री में हम लोग आए हैं तो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के बाहर जाने के लिए भी है। एक्सपोजर होना ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जैक्टली। और मेरा जो मानना है जहाँ पे हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है जी, जैसे मैं बोलता हूँ जो मेरी जन्मभूमि है वो कभी भी मेरी कर्म भूमि नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी बहुत बड़ा हासिल करना है तो आपको अपने आप को उतना एक्सपोजर देना पड़ता है।